आप सब लोगों का थ्री सीकर्स में स्वागत है। तो मैं आपको बताऊंगी शार्क्स के बारे में कुछ बहुत ही ज़्यादा एकदम खोपड़ी उड़ा देने वाले फैक्ट्स। और अगर आपको शार्क्स नहीं पता तो वह रहन दो, और जिन लोगों को पता है उनको मैं बताती हूँ फैक्ट नंबर वन। तो फैक्ट नंबर वन है कि जो शार्क्स होती हैं उनके पास सिक्स सेंस होता है। जैसे ह्यूमंस के पास फाइव सेंसेस होते हैं, ऐसे ही शार्क्स के पास सिक्स सेंस होता है, जिससे वो ऑलरेडी वो चीज़ें देख पाती हैं जो अभी घटित भी नहीं हुई, मतलब चीज़ें घटने से पहले ही उनका पता चल जाना, तो वो शार्क्स ऑलरेडी कर लेती हैं। जैसे ऑक्टोपस भी कर लेते हैं क्योंकि उनके पास भी सिक्स सेंस होता है। फैक्ट नंबर टू, हैमर हेड शार्क्स, जो हैमर हेड टाइप होता है शार्क्स का, और जैसे ही नेम भी सजेस्ट कर रहा है हैमर हेड, तो इनका जो सिर होता है वो एकदम हैमर जैसा होता है, एकदम हथौड़े जैसा। और इनके पास जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा फैसिनेटिंग है, मतलब एकदम दिमाग ही हिल गया। इनके पास 360 डिग्री का विजन होता है, जैसे हम लोग बस 180 डिग्री देख पाते हैं अपने आगे वाला और थोड़ा थोड़ा साइड वाला आधा आधा, पर ये लोग अपने चारों तरफ देख पाते हैं। मतलब जैसे हम लोग 180 डिग्री देख पाते हैं, ये लोग अपना पीछे का भी 180 डिग्री देख लेते हैं। तो वो कितना फैसिनेटिंग है कि जैसे अगर तुम आगे देख रहे हो पर तुम्हें पीछे का भी दिख रहा है कि पीछे क्या हो रहा है। तो ये वाला बहुत डरावना भी था और बहुत अमेजिंग भी। अब नेक्स्ट फैक्ट पे चलते हैं जो मुझे काफ़ी क्रीपी लगा। तो तीसरा फैक्ट है कि जो शार्क्स होती हैं वो पूरी तरीके से कभी नहीं सोती। जैसे हम लोग सो जाते हैं तो हम लोग को कुछ पता नहीं चलता यहाँ से कौन निकल रहा है, कौन क्या कर रहा है, हमें कुछ नहीं पता चलता। पर जो शार्क्स होती हैं, अगर वो सो भी रही हैं और अगर तुम उनके आसपास से निकल रहे हो तो उनको तब भी पता चल जाता है, क्योंकि वो हमेशा सेमी कॉन्शियस होती हैं। तो ये मुझे बहुत क्रीपी लगा कि वो पूरी तरीके से कभी सोती ही नहीं है, उनको हमेशा पता चल जाएगा आसपास से कोई भी निकलेगा, और शायद इसी रीज़न की वजह से वो इतने अच्छे से शिकार भी कर लेती हैं। अब नेक्स्ट फैक्ट की तरफ चलते हैं, जो फैक्ट नंबर फोर है, जो कि है शार्क्स बहुत छोटी भी हो सकती हैं एक गोल्ड फिश के साइज़ की। तो हम सबको पता है कि शार्क्स का साइज़ कितना बड़ा होता है, पर ये मुझे बहुत अजीब लगा कि गोल्ड फिश के साइज़ की भी शार्क होती हैं, क्योंकि जो शार्क के बच्चे भी होते हैं नॉर्मली वो भी बहुत बड़े होते हैं साइज़ में, पर जो गोल्ड फिश के साइज़ वाली शार्क है वो एक शार्क पाई गई है, ड्वार्फ लैंटर्न शार्क। तो चलिए लास्ट फैक्ट की तरफ मूव करते हैं। अनफॉर्चुनेटली ये आखिरी फैक्ट है, फैक्ट नंबर फाइव, जिसमें आता है कि शार्क्स जो होती हैं वो साइलेंट होती हैं। हाँ, आपने सही सुना, इसका मतलब वो साइलेंट होती हैं, यानी कि वो बोल नहीं सकती क्योंकि उनके वोकल कॉर्ड्स नहीं होते। तो क्या होता है, अगर उनको आपस में लोगों से बातचीत करनी होती है अपनी दूसरी शार्क्स से, तो वो लोग फिज़िकली बात करते हैं, अपने फिज़िकल मूवमेंट से, बॉडी मूवमेंट से बात करते हैं, क्योंकि आवाज़ तो होती नहीं है उनके पास, तो वो लोग ऐसे आवाज़ मुंह से नहीं कर सकते, वो लोग फिज़िकल मूवमेंट से बात करते हैं, जैसे हम लोग अपनी आवाज़ से बात करते हैं। और मुझे ये इतना क्रेज़ी लगा, मतलब क्रेजीएस्ट फैक्ट एवर, कि मुझे अभी तक पता ही नहीं था। मुझे लगा सब मछलियाँ कुछ ना कुछ तो आवाज़ कर ही सकते हैं, सब जानवर कर सकते हैं, यहाँ तक कि रैबिट्स का लगता था, पर रैबिट्स भी, मतलब सभी लोग, सारे ही लोग आवाज़ कर सकते हैं, पर शार्क्स जब आवाज़ नहीं कर सकती तो ये वाली चीज़ बहुत ही अजीब लगी कि वो आवाज़ नहीं कर सकती, वो कैसे इंटरेक्ट करती हैं आपस में फिज़िकल बॉडी मूवमेंट से, तो ये बहुत ही अजीब लगा। तो चलिए यही थी मेरी वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक करिए, और ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।